हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। सॉरी खोजी यार, मुझे थोड़ा लेट हो गया, भतीजा नहीं आया अभी तक। अब जब चाचा आ गया है तो भतीजा भी आता ही होगा। चाचू मैं हूँ चाचू। अरे तुम चाचा भतीजे का मेल मिलाप हो गया हो तो मैं अपने नए आविष्कार के बारे में बताऊं। कब से मन में खलबली मची हुई है, आजकल लोग पेड़ों को बिना सोचे समझे काटते जा रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। प्रकृति को बचाने के लिए मैंने ये रोबोटिक वुड पेकर बनाया है, अगर किसी भी जगह किसी ने पेड़ की कटाई की तो ये उसी समय अलार्म बजाकर मुझे इन्फॉर्म कर देगा, खुद उस पेड़ की रक्षा करेगा। वाओ खोजी अंकल, ये इन्वेंशन तो सच में बहुत अच्छा है। कितना प्यारा वुड पेकर है, क्या इस रेड बटन से ये ऑन होता है? ओए चाचे, तूने डायरेक्ट रेड बटन क्यों दबा दिया? अरे वुड पेकर को पहले थोड़ा वार्म अप करवाना था, अब वो डायरेक्ट ऑन हो गया है तो वो किसी भी सामान को तोड़ फोड़ देगा। ये रोबोट कोई एक्सरसाइज करने जा रहा है जो वार्म अप करेगा? ये क्या मुसीबत है? चाचू आप ठीक तो हो ना? ओ भतीजे के होते चाचा को कुछ हो सकता है भाई। जी अंकल, इनके बदन में ऐसे रॉड्स और वायर्स फिट कर दो जिसके सहारे से ये चल सके और डांस भी कर सके। ओए भतीजे की सोच का और खोजी की खोज का कोई जवाब नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनल राउंड शुरू होता है। पहले डांस करने आ रहे हैं जेड प्लस डिटेक्टिव एजेंसी के लोग, गिव देम अ बिग हैंड। अब चाचा खुद डांस नहीं कर सकता, लेकिन तुम जैसा डांस करोगे चाचा का बदन वैसा ही मूव करेगा, वो गिरेगा नहीं। थैंक यू खोजी अंकल। दोस्तों अभी अभी खबर मिली है कि A1 एजेंसी ने मुकाबले के फाइनल राउंड में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए वो अब डांस नहीं करेंगे। सर, आपको गलत खबर मिली है, A1 एजेंसी डांस करेगी और जीतेगी भी। कल हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। कम ऑन चाचू, म्यूजिक। दोस्तों Z+ डिटेक्टिव एजेंसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है।
ओए बल्ले बल्ले, अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और A1 एजेंसी वालों ने उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसलिए फर्स्ट प्राइज A1 एजेंसी को दिया जाता है। खोजी की खोज और भतीजे की सोच का कोई जवाब नहीं। ये देखो ये मशीन, मैंने इस मशीन से भतीजे के लिए ऐसा कैप्सूल बनाया है जिसे खाकर उसका कमजोर बदन लोहे जैसा मजबूत बन जाएगा। लो भतीजे ये कैप्सूल खा लो, लेकिन इस दवा को अभी परफेक्ट करना है क्योंकि इस कैप्सूल का असर कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा और तुम नॉर्मल हो जाओगे। ये आपने किस किस चीज को मिला के बनाया है? इसे बनाने के लिए 10 किलो सोना, 20 किलो चांदी, 5 किलो हीरे पीस के इस मशीन में डाल दो, बस वो कट पीस के एक कैप्सूल बन के बाहर आ जाएंगे। लगता है कैप्सूल का डोज कुछ ज्यादा ही हो गया। ओए भतीजे, तू लोहे की तरह मजबूत होने के साथ साथ लोहे की तरह भारी भी हो गया और शक्तिशाली भी हो गया। क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर, हैंड्स अप। ओ हैंड्स तो पहले ही आप है भाई। बाय बाय। क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर। इस चाचा ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है रोजी डियर। अब देखना, जैसे ही चाचा वेट उठाएगा ऐसा झटका लगेगा कि वो कभी नहीं उठ पाएगा। अभी तो उठाया था मैंने, तब तो इतना पारी नहीं था। ओ कोई पकड़ो इसे। इतने पारी वेट्स तो मैंने आज तक नहीं उठाए, लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। चाचू, ये खोजी अंकल के नए आविष्कार का कमाल है। ये जो स्प्रे है ना, इसे किसी भी चीज पर बस एक बार किया तो वो चीज रबर की तरह हल्की और मुलायम हो जाती है। ओ खोजी सिंह, तुम्हारे आविष्कार का तो सची में जवाब नहीं, लेकिन इस आविष्कार से हमें क्या फायदा होगा? हिचका हिचका, बंदर का दाना अदरक का स्वाद। इस स्प्रे से क्या फायदा होगा मैं इन्हें बताऊंगा। रोजी डियर, गेट रेडी। चल रोजी। भतीजे, ये लो वो केमिकल जो तुमने मंगाया था, ये पोस्टर पे लगा दो। जब भी कोई उसके ऊपर दूसरा पोस्टर चिपकाएगा तो उसके हाथ में ये केमिकल लग जाएगा, और जब तुम उसका हाथ धुलवाओगे तो वो हाथ पीले रंग का हो जाएगा। ओए भतीजे, ये सब क्या है? चाचा, वो चालाक चोर है, हमें उसे पकड़ने के लिए कोई तो चालाकी करनी होगी। ये उसके लिए ट्रैप है। भैंस की पूछ रोक रोक वो रहे चाचा भतीजा। कहाँ है चोर, कहाँ है? अभी उसे पकड़कर जेल के अंदर करती हूँ। ओहो बंदूकनी जी, चोर का ही तो पता नहीं है, तभी तो आपको बुलाया है। भतीजे की सोच और खोजी की खोज का जवाब नहीं। तुमने जैसा फोन पर बताया था उसके लिए तो ये डॉगी परफेक्ट है। ये एक रोबोटिक डॉग है, इसे चुराई हुई चीज की स्मेल करा देना, ये खुद ही सूंघता हुआ चोर तक पहुंच जाएगा। चाचू याद कीजिए, क्या आसपास कोई और आदमी भी था क्या? एक ट्रक वाला ट्रक में भूसा लोड कर रहा था। तो हो सकता है वो ही आपकी साइकिल ट्रक में डाल के ले गया हो। ये भूसा सूंघा के डॉगी से सर्च करवाते हैं। डॉगी सर्च 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 डॉगी सर्च। ओए रुक जा, ओए ये मेरा स्कूटर है, कोई पतंग नहीं। ओए बावड़ी पूछ भैंस की पूछ,
जय क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है क्या? ओए भतीजे, अब इस डॉगी को बांधने का झंझट छोड़, इसको खुला ही जाने देते हैं। ओए बहादुर भैंस की पूंछ, ब्रेक लगा ब्रेक। इंस्पेक्टर साहिबा, क्या हुआ? अब यहाँ क्यों आई हैं? तेरे तबेले की तलाशी लेनी है। भला साहब और चाचा, जाओ ढूंढ के आओ। ओके। सब लोग इन चश्मों को पहन लो। इनके पहनने के बाद जमीन पे बने छोटे बड़े सब टायर के निशान दिखेंगे। टायर के निशान देख के उस बम्पन की लोकेशन का पता करो। सिंपल। लो जी, खोजी तो सिंपल बोल के निकल गया, अब इतने सारे टायर के निशान में पता कैसे चलेगा कि बब्बन के साइकिल के टायर के निशान कौन से हैं? ये सब निशान तो बड़ी गाड़ियों के हैं, हमको साइकिल जैसे टायर के पतले निशान ढूंढने हैं। इब के करें, या तो ढेर रो साइकिल के टायर के निशान हो रहे हैं। बब्बन की साइकिल नॉर्मल साइकिल जैसी नहीं है। नॉर्मल साइकिल के टायर ट्री वाइंस की तरह जुड़े हुए होते हैं, पर बब्बन की साइकिल एक मोनोसाइकिल है जो सिर्फ एक पहिए पर चलती है। हमको ऐसे टायर का निशान ढूंढना है जो सिंगल ही किसी डायरेक्शन में जा रहा हो। ओए भतीजे, इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान, क्या बात है। देखो बेटा, ये एक मल्टीफंक्शनल कार है, फुल ऑफ गैजेट्स, और ये सारे बटन्स अलग अलग फंक्शंस के हैं। ये लो। ओ चाचे, ये क्या कर डाला? लीवर ही तोड़ डाला, अब कार रुकेगी कैसे? मैं इसको बाहर नहीं जाने दूंगा। भतीजे दरवाजा बंद कर। चाचे भतीजे, तुम दोनों का मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो मेरे नए आविष्कार पर भी गौर फरमा। इस गोली को खाते ही किसी भी बच्चे का दिमाग बड़ों की तरह तेज चलने लगेगा। दिमाग तेज चलने लगेगा, तब तो मैं भी खा के देखता हूँ। अरे चाचे, ये तूने क्या किया? क्यों किया? चाचे, अंकल अंकल, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? भैया कैंडी दो ना। खोजी अंकल, ये चाचू को क्या हो गया? आपकी गोली तो दिमाग तेज करने वाली थी, पर चाचू तो रिवर्स गियर में चले गए। अरे भतीजे, बच्चों की दवा थी और बड़े ने खा ली, इसलिए उल्टा असर हो गया। अंकल अंकल, मुझे वो वाला मैंगो जूस पीना है। अरे वो मैंगो जूस नहीं, केमिकल है, उसको छूना भी मत वरना ब्लास्ट हो जाएगा। चाचू चाचू, आप मेरे साथ चलो, मैं बढ़िया वाली मैंगो कैंडी खिलाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे वो ही मैंगो जूस पीना है, पीना है, पीना है, पीना है। भूत भूत, भैया भैया, भूत भूत, मारो मारो, भूत भूत भूत, भूत भूत। भतीजे एक काम कर,
चाचू को कहीं घुमा फिरा के ला, तब तक मैं इसके इलाज का तरीका सोचता हूँ। चाचू आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बढ़िया वाला मैंगो जूस पिलाऊंगा। या मैंगो जूस भैया, बाद में मैंगो कैंडी भी खिलाना। भैया बहुत अच्छे, ये बहुत गंदा, ये बहुत गंदा। ये लो, जैसा तुमने कहा था वैसा कर दिया है। भतीजे की सोच और खोजी की खोज का कोई जवाब नहीं। All the best. Thank you, खोजी अंकल। मुन्नी मेरा नाम, चोरी मेरा काम। नाम मेरा है शीला, अंदाज मेरा है शर्मीला। चोर फंस गया जाल में, जल्दी चलिए चलिए। रे बहादुर जीप निकाल। रे भैंस की पूछ, जीप नहीं जीप, जीप। शीला आखिरकार स्कूटर अपने हाथ लग ही गया। अब बस किसी सुनसान जगह पर चलकर हीरे निकालकर इस खटारे को फेंक देते हैं। भागने से कोई फायदा नहीं है। दिखाना अपनी लीला। भतीजे की सोच और खोजी की खोज का कोई जवाब नहीं। ये लो रोबोटिक वुडपेकर, मैंने किटी की फोटो इसमें फीड कर दी है। ये उड़ता हुआ जाएगा और जहाँ किटी मिलेगी ये एक सिग्नल भेजेगा। भतीजे तुम इस मॉनिटर में देख सकते हो कि ये वुडपेकर कहाँ है और किटी कहाँ है। मेरी किटी मिल तो जाएगी ना? अगर होगी तो जरूर मिल जाएगी। होगी का क्या मतलब है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि उसे कुछ हो जाएगा? तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। ओए भतीजे की सोच और खोजी की खोज का कोई जवाब नहीं। Hey, come on! 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 Hey, come on!
चाचा भतीजा तुम पर नजर रखे हुए हैं। पकड़े गए तो कहीं असली टाइगर के पिंजरे में तुम्हें न डाल दें। और रुक जा बावड़ी बूझ, भैंस की पूछ भागता का है। टाइगर को पकड़ना है मुझे नहीं, कोई जाल को तो निकालो। ओए बचाओ चाचे भतीजे। ओए ये शेर तो बहुत तेज है। ये रोजी बाई किस टाइगर की संगी साथी बनी साथ साथ क्यों चल रही है? चाचू अब तो कंफर्म हो गया, इस टाइगर के रूप में क्राइम मास्टर जोगावर ही लूटपाट मचा रहा है। बहुत हुआ शेर शेर, अब और नहीं भागा जाता। रोजे इधर आओ। अरे ये तो वही नकली शेर है, मारो इसे। भतीजे तुम ठीक कह रहे थे, ये जुगावर ही है। जोगावर नजर हटी दुर्घटना घटी। अब कितना भागेगा जोगावर? और रुक जा बावड़ी बूझ, हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दें चाचा और भतीजा। खोजी अंकल, मैंने किडनैपर्स के फुटप्रिंट्स की कुछ फोटोज क्लिक की है, आप ऑफिस के फुटप्रिंट से मैच करके देखिए, अगर कहीं मैच हो तो। लेट मी चेक। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये किडनैपर्स और कोई नहीं गंगा सिंह कॉन्ट्रैक्टर ही है। उन लोगों ने रेनोवेशन का काम किया और भल्ला जी ने उनको पेमेंट नहीं की, उसी बात का बदला और अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए उन लोगों ने भल्ला सर को ही किडनैप कर लिया। चाचू आपको उन लोगों का गोडाउन पता है क्या? हाँ भतीजे, शहर के बाहर उनका बहुत बड़ा गोडाउन है जहाँ पर वो अपना सारा सामान रखते हैं। चलिए उन्होंने अपने गोडाउन में ही भल्ला सर को रखा होगा। जो सोना चमकू चमाट ने चुराया है उसे बेचने वो जरूर आएगा। चाची जी की चूड़ियों पर अब भी चमकू चमाट का केमिकल लगा होगा। खोजी अंकल, क्या आप कोई ऐसा केमिकल बना सकते हैं जो चमकू के चुराए हुए सोने को पहचान सके? ये गुलाबी केमिकल चमकू के चुराए हुए सोने पर गिरते ही नीला हो जाएगा। ओए अब तो चोर पकड़ा ही जाएगा, वाजीवा कमाल कर देता। ओ चाचे, भतीजे की सोच और खोज जी दी खोज का कोई जवाब नहीं। की कीमत से दुगने दाम में अपना सोना बेचिए, ऑफर सिर्फ आज के लिए। वाह 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 वाह, मुफ्त में मिले सोने को दुगने दाम में बेचूंगा, माला माल हो जाऊंगा। वाह 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 वाह। देखो भतीजे ने ऐसा केमिकल लाया है जो चुराए हुए सोने पर पड़ते ही ना नीला हो जाएगा और चोर पकड़ा जाएगा। पर हमने तो चोर को देख रखा है ना, तो उसे तो हम पहले ही पकड़ लेंगे। क्यों? चालाक चोर से चालाकी। पर मेरे पास भी सुपर वॉशर केमिकल है जो सारे केमिकल का निशान मिटा देगा, ये भतीजा मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। अब मैं उन्हीं के दुकान में जाकर
सोना भी बेचूंगा और दुगने पैसे भी लूंगा। यस यस, आखिर मैंने बना ही लिया मेरा आज तक का सबसे बड़ा आविष्कार, गायब होने की दवा। जो इस टैबलेट को खाएगा वो गायब हो जाएगा। चिच्चे, मैंने कहा था ना, खोजी पर नजर रखते हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ अजीबो गरीब चीजें बनाता रहता है, और अब ये गायब होने की दवा जिससे हमारी सारी तकलीफें गायब हो जाएंगी। सोचो, अगर हम गायब हो गए तो क्या क्या कर सकते हैं। हम लोगों की आंखों के सामने से उनका सामान चुरा लेंगे और वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे। ढोलकी, जल्दी से इसे गटक ले। ये तो करेले से भी कड़वा था। पर जिज्जे, मैं तो आपको देख सकता हूँ, लगता है ये दवा काम नहीं कर रही। हाँ, मैं भी तुझे देख सकता हूँ ढोलकी। खोजी, मैंने कहा खोजी जी, ऐसी क्या चीज है जो आप हमें दिखाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। तुमने देखा, ये लोग यहाँ से गुजरे और उन्हें हम दिखाई नहीं दिए, यानी कि हम गायब हैं। हाँ जिज्जे, इसका मतलब है हम एक दूसरे को देख सकते हैं, पर कोई हमें नहीं देख सकता। अरे बलवंत, मारो मत, मैं बता रहा हूँ। कहाँ गई कहाँ गई? अरे रखी थी, कहाँ चली गई? खोजी अंकल, आप क्या ढूंढ रहे हो? मैंने ऐसी टैबलेट्स बनाई थी जो लोगों को गायब कर दे। लो, और अब वो टैबलेट ही गायब है। खोजी अंकल, आज कौन सी नई मशीन बनाई है? भतीजे, ये एक ऐसी मशीन है जो जमीन के नीचे छुपे हुए सोने का पता लगा सकती है। सरकार ने बताया है कि सदियों पहले फंटूस नगर की जमीन के नीचे बहुत सारा सोना गड़ा हुआ था। ये मशीन हमें उस सोने को सरकार तक पहुंचाने में मदद करेगी। ओए वाह भाई खोजी, क्या मशीन बनाई है? क्या मैं इसका टेस्ट ले सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। जैसे ही मशीन चालू होगी, ये तुम्हें अपने आप उस ओर ले जाएगी जहाँ जमीन के नीचे सोना छुपा होगा। ओ, मैं तैयार हूँ खोजी। ओए, ये मशीन सोना ढूंढ रही है या मुझे परेड करवा रही है? ओ, कुछ करो। फिकर नॉट बलवंत, मैं हूँ ना। ओए, ये तो मेरा डायलॉग है। और ये मेरी मशीन है, भरोसा रखो, जल्द ही हमें सोने तक पहुँचा देगी। चाचू, खोजी अंकल की मशीन जरूर काम करेगी। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता जमीन में छुपे सोने को ढूंढने का। सोना, सोना, सोना। बलवंत, लगता है सोना यही कहीं छिपा है। चलो चलो जल्दी, हमें जमीन खोदनी चाहिए। है? जमीन खोदनी पड़ेगी? ओए खोजी, सोना ढूंढने की मशीन के साथ साथ जमीन खोदने की मशीन भी बना लेते। एक मिनट, जमीन खोदने की जरूरत नहीं है। वो देखो, मैन होल, हम वहाँ से जमीन के नीचे जाकर सोने का पता लगा सकते हैं। ओए वाह भतीजे, तूने और कसरत करने से बचा लिया। क्या तुमने वही सुना जो मैंने सुना? एक सोना ढूंढने की मशीन। हमें ये मशीन किसी भी तरह इन चाचा भतीजे से लेनी होगी। तो नए काम में देर किस बात की जिज्जे? सोना, 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 मिल गया सोना, मिल गया सोना। भूत, भागो! अरे अंकल, हम कोई भूत वूत नहीं है। अच्छा, तुम लोग भिखारी हो? अरे कहाँ कहाँ से लोग जमीन के नीचे भी भीख मांगने चले आते हैं। चुप कर, हम तुम्हें भिखारी नजर आते हैं। मिल गया सोना, मिल गया सोना, मिल गया सोना। दत्त तेरे की, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया।
इस मशीन ने तो इस आदमी की पहनी हुई सोने की अंगूठी की तरफ इशारा किया है। और हम समझे इस बीन के नीचे सोना मिल गया है। सोना? तो तुम लोग भिखारी नहीं, चोर हो। मेरी अंगूठी मत छीनना। ओ नहीं भाई, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ओ जी थैंक यू जी, आज के टाइम में मदद करने वाले लोग कहाँ हैं? अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आखिर ये मशीन मेरे हाथ आ ही गई, अब चाचा के हाथ को बाय बाय। ओए ये तो चीटिंग है। चाचू वो देखो मिमिक्री भाई। ओ वाह जी वाह, ओ फुर्ती देखो बंदे दी। चाचू चीन जापान श्रीलंका, अब नहीं बचेगा डंका। थैंक यू मिमिक्री भाई। मैं पैसे लाना भूल गया, कल दे दूंगा। ऐसा कैसे चलेगा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे वरना अपने मिमिक्री भाई नाराज हो जाएंगे। अरे जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ से दूं? मिमिक्री भाई स्वागत नहीं करोगे हमारा? माल करते हैं तुबे जी, खाना खाने आ गए और पैसे नहीं लाए। कोई बात नहीं, कल दे दीजिएगा, वरना हम आपको इतना पीटेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा दर्द कहाँ कहाँ हो रहा है, समझे? ओए गुड मॉर्निंग। ओ मिमिक्री भाई, ये बताओ आज खाने में क्या स्पेशल है? आज तो इतने स्पेशल आइटम है कि आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि ये आइटम खाएं या वो आइटम खाएं। मिमिक्री भाई तमाशा लगा रखा है। एक बिल्ले इंसान को चूहा बना देती है। अरे झिंगा सुरमई पापलेट सबको कर दिया लेट, अब ढाबे पे क्या खिलाऊंगा, सिर्फ आमलेट? एक बिल्ले इंसान को चूहा बना देती है। अरे तुम लोग सिर्फ तमाशा देखो तमाशा, यहाँ बिल्लियाँ सर पे ताज पहनेंगी और हम सब पर राज करेंगी, तुम लोग बनो गुलाम। 100 में से 80 बेईमान फिर भी फंतुष नगर महान। एक बिल्ले इंसान को चूहा बना देती है, करो चो 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 चो। ये उस रोबोटिक वुड पैकर को पकड़ने का कोई तो तरीका सोचना पड़ेगा, वो तो लोगों को पेड़ों के पास खड़ा भी नहीं होने दे रहा। मिमिक्री भाई, तो आज मिमिक्री अंकल जब्बर सिंह बने। कहाँ से आ रहे हो बोलो? ओए यार हम एक वुड पैकर को ढूंढ रहे हैं। तुम दो और सिर्फ एक छोटे से वुड पैकर के पीछे पड़े हो, शर्म करो, वुड पैकर मुझे प्यारा लगता है। मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, पूरा मूड। खतरा है। ओ क्या मिमिक्री भाई, और मैंने समोसे मंगाए थे। अरे मैंने कचौरी मांगी थी, क्या हो गया तुम्हें, किसी को कुछ भी दे रहे हो? मिमिक्री क्या कचौरी समोसा कर रहे हो? ये लो दोनों को मिक्स कर दिया,
अब बताओ कौन सी कचौरी है और कौन सा समोसा। अरे जब बनाने वाले ने ही फर्क नहीं रखा तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? बात करते हैं। वाह मिमिक्री अंकल, वेरी गुड। मिमिक्री भाई। हमारे ढाबे में आपका स्वागत है सर। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। क्या खाना पसंद करेंगे आप? ओए डायरेक्टर सर जी, ये फंटूश नगर का सबसे बढ़िया एक्टर है। एक बार जो मैंने मेन्यू सेट कर दिया तो फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। कंट्रोल कंट्रोल, हो गया सिलेक्शन, इनका भी सिलेक्शन हो गया। क्या एक्टिंग की है। आप भी कल सुबह 10 बजे हाईवे पे मिलना। आप हमारी फिल्म के हीरो हैं। हीरो? चाचू ये देखो, मिमिक्री भाई का नया फिल्मी गेटअप। मिमिक्री भाई। ओ लाला ओ लाला, समोसे में डालो चटनी। ओ लाला ओ लाला, सांबर में डालो इडली। अल्लाह सेठ के मोनाचो सब भालो। भालो यानी भालू? अरे तू भालू तू, मैं भल्ला हूँ भल्ला। और आमी पपीटा, सुना है आज आप पार्टी दे रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे यार तू बस बिल लेके आ जा। मैं हूँ मिट्टी रोबोट। ओ मिमिक्री पाई, एक चम्मच तो देना। अरे वाह ये तो कमाल हो गया। सुनो 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 सुनो, चांद मामा ट्रैवल्स कराएगा आपको चांद की सैर। चांद की सैर? सिर्फ 1,00,000 रुपए में चांद पर जाने का मौका पाए। क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, सच, चांद की कसम। अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे, पास के हो गए हैं। आप भी जा सकते हैं। पर हम चांद पर जाकर करेंगे क्या? यही सवाल आमरस भाई का भी था, पर जब से वो चांद पर गए हैं वापस आने का नाम ही नहीं लेते। एलियंस को उनका आमरस इतना पसंद आया कि कुछ ही दिनों में वो लखपति बन गए। सच्ची? चांद की कसम। पर मेरी तो डिटेक्टिव एजेंसी है, मैं क्या करूंगा वहाँ? लो कर लो बात, एक डिटेक्टिव एजेंसी की तो कमी है वहाँ। एलियन साहब के पास आकर अपना केस सॉल्व करवाएंगे। सच? चांद की कसम जी। पर मुझे अपनी डिटेक्टिव एजेंसी चलाने के लिए चाचा भतीजे को भी साथ लेके जाना होगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देख लीजिए, आमरस भाई चांद पर कितने खुश नजर आ रहे हैं, देखिए तो। पता नहीं ये फोटोज कुछ अजीब से लग रहे हैं। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। इससे अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा जी, चांद की कसम। आप सब पूरे पैसे लेकर 3 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। नो नो, पूरे नहीं, आधे आधे पैसे धरती पर और बाकी चांद पर पहुंचने के बाद। ठीक है अभी मैं चलता हूँ। हम लंदन का बिजनेसमैन टॉनी गोंसाल्विस। थोड़ी घबराहट हो रही है यार। ओ घबराओ मत मिमिक्री भाई, भतीजा है ना आपके साथ, सब संभाल लेगा। हम लंदन का बिजनेसमैन टॉनी गोंसाल्विस, लंदन में ना मिले ऐसा कोई चीज ही नहीं। लंदन के बिजनेसमैन, आइए आइए, क्या लेंगे आप? ओ जी, इन्हें कोई ऐसी चीज दिखाओ जो लंदन में ना मिले।
तभी ये खरीदेंगे। और पेमेंट की चिंता मत करो, पेमेंट तो ये पाउंड्स में करेंगे। हाँ। पाउंड्स? क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये शेविंग क्रीम लीजिए। इससे अच्छा क्रीम तो लंदन में मिलता। हम टोनी गोंसाल्वेस, लंदन में ना मिले ऐसा कोई चीज नहीं। क्या आपके पास इससे अच्छी कोई चीज नहीं है? पेमेंट की चिंता मत करो, पेमेंट तो ये पाउंड्स में करेंगे। लगता है इसके पास कोई अच्छा चीज नहीं। चलो हम चलते हैं। अरे आप तो नाराज हो गए। ग्राहक तो ऊपर वाले का रूप होता है, आप हमारा ये शरबत पी कर देखो। हाय हाय, देखो तो सफाचट साबुन से मेरा चेहरा कैसे खिल उठा है। तो जल्दी से मुझे पूरे 10 सफाचट साबुन दे देना। क्या लाला जी, आपने तो हमें सफाचट साबुन के बारे में बताया ही नहीं। लंदन में नहीं मिलती ये चीज। अब टोनी गोंसाल्विस यही साबुन खरीदेंगे। क्यों, सही कहा ना? अब क्या करूं? मेरे पास वो साबुन का स्टॉक तो है ही नहीं। क्या नहीं है? आए, मैं चली। क्या एक ही चीज जो लंदन में नहीं मिलता, हम यहाँ से पूरा स्टॉक ले जाकर लंदन में बेचता, तुम्हारा दुकान में वो भी नहीं होता। वेरी बैड, वेरी बैड। हम यहाँ से जाता। मिमिक्री भाई, ओवर एक्टिंग मत करो, लेने का देने पड़ जाएंगे। ग्राहक तो ऊपर वाले का रूप होता है। टोनी जी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके लिए सफाचट साबुन का पूरा स्टॉक मंगवा दूंगा। ओके, ठीक है ठीक है, पर शाम को हमारा फ्लाइट होता, उसके पहले साबुन हमको मिलना मांगता। ओके। मिमिक्री भाव। आओ जी, खाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है समोसा पाव। अरे मिमिक्री, सुन तो जरा, मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, मेरी ड्यूटी के अलावा ना मैं कुछ देखता हूँ ना कुछ सुनता हूँ। अरे मैं तेरे फायदे की बात बोल रहा था। मुझ पर एक मेहरबानी करना कि मुझ पर कोई मेहरबानी ना करना। और तू कैसे बनेगा बॉडीगार्ड? ऐसा क्या स्पेशल है तुझमें? बता। मेरी एक खासियत है कि मैं खाता कम हूँ लेकिन खिलाता मिमिक्री भाव। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे मेरा डॉगी लेके दो। क्या हुआ चाचू? ओए पतिजे, इनका डॉगी किडनैप हो गया। और इसकी गलती की वजह से हुआ है। दरअसल तुम्हें रोज सुबह उठ के 16 बादाम भिगो के खाने चाहिए, दिमाग चुस्त हो जाएगा। नानी, आपको अभी तक पैसों के लिए फोन आ जाता अगर डॉगी किडनैप हुआ होता। मुझे लगता है किडनैपर को डॉगी नहीं, उसके गले का लॉकेट चाहिए। मेरा डॉगी तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाने देगा। पावली सिंह रिपोर्टिंग सर, आपको मेरे जैसे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। हमें बॉडीगार्ड की नहीं, एक रिपोर्टर की जरूरत है। क्या मतलब? चाचू, मेरे पास एक आइडिया है। लीजिए, आपकी ऑर्डर की हुई टेबल ले आया हूँ मिमिक्री भाई। टेबल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना? हैं? वरना याना फेंकेगा ऐसे प्लेट, सीधे जाएगा गन्ने के खेत। डिफेक्टिव? अगर फर्नीचर में जरा सा भी डिफेक्ट निकला तो इसके बदले आपको एक नया फर्नीचर बिल्कुल फ्री। ठीक है, अंदर रख दो। टेबल के पीछे तो कोई नहीं है, इस बार भतीजे की बात गलत कैसे हो गई? अपने मिमिक्री भाई, जरा पानी मिलेगा? अच्छा तो मैं चलता हूँ। भतीजे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि टेबल के पीछे कोई नहीं था, पर इसके बावजूद
उस टेबल का पैर आज टूटा पड़ा है। मैंने अभी जग्गा को फोन किया है और वो नया टेबल लेकर आता ही होगा। मैं अभी वहाँ पर आता हूँ मिमिक्री अंकल और पता लगाता हूँ। ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना मिमिक्री भाई? इतने जल्दी कैसे आ गए और आते हुए दिखाई भी नहीं दिए? हमारी सर्विस बहुत फास्ट है। मैंने कहा था ना, टेबल अगर डिफेक्टिव हो तो हम आपको नया टेबल देंगे। ये रहा आपका नया टेबल, हम पुराना लेकर जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया खाना था मिमिक्री भाई, मजा आ गया। सात दिन सात रात ना रुकेगी मेरी लात, चलाता रहेगा पैडल, गोलमाल पहिए की है साइकिल। ये कौन सा खेल है? खेल है दिलवालों का, सात दिन सात रात बिना रुके साइकिल चला सकता हूँ मैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये चैलेंज है झबरू का। ओ गुरु, चुनौती है तो मंजिलें हैं, और मंजिलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो ओ चिड़िया के घोंसले हैं। हाँ, चिड़िया के घोंसले हैं। ठोको ताली, ठोको। देखा कितना दिलदार है, जबरदस्ती खिला रहा है। ये बिल में मत जोड़ना। ओ गुरु, वैसे भी आपने कौन सा बिल चुकाना है? अटेंशन, हम मुगलों के जमाने के चाय वाले हैं। हम पहले पैसे लेते हैं फिर चाय देते हैं, समझे? सब लोग फैल जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। हल्ला जी, मसाला चाय लेंगे सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए? बिल्कुल नहीं लेंगे। ढाबे पर 5 रुपए और यहाँ 20। सुपर फास्ट ट्रेन में चाय के दाम भी सुपर फास्ट बढ़ गए। चाय चाय मसाला चाय। अरे तुम फिर आ गए। अरे बोला ना नहीं चाहिए तुम्हारी महंगी मसाला वाली चाय। चलो निकलो। सुनिए तो सही, हमारे मिमिक्री भाई ने एक नई स्कीम चालू की है। सर आप ये चाय पी कर तो देखिए, अगर पसंद नहीं आए तो पैसे मत देना। चाय पी जाऊंगा और कह दूंगा कि पसंद नहीं आई। फिर तो चाय फ्री। ठीक है ठीक है, 2 चाय देना मुझे और पम्मी जी को। यस सर। मुझे चाय पसंद नहीं आई तो मैं चाय पैसे। चाय पीते ही हम लोग सो गए और चोर अपना काम कर गया। हाँ जी, मुझे भी चाय पीते ही नींद आ गई और मेरा भी सामान चोरी हो गया। हाँ, मेरा भी सामान चोरी हो गया। जरूर इनकी मसाला चाय में मिलावट है। आए, मैं मसाला चाय में मसाला तक नहीं मिलाता। आप मिलावट की बात कर रहे हो? आए, मेरे भोले भाले और छोटे से लड़के ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। छोटे? अरे पेड़ जितने लंबे थे वो लड़के और उनकी बातें उनसे भी लंबी। तभी मैं सोचूं मुझे फ्री में चाय क्यों पिलाई। फ्री चाय? कभी नहीं, हम मुगलों के जमाने के चाय वाले हैं। पहले पैसे लेते हैं फिर चाय देते हैं। मेरे लड़के कभी फ्री की चाय नहीं देंगे। मिमिक्री अंकल कहते हैं लड़के छोटे हैं, भल्ला अंकल कह रहे हैं लड़के लंबे हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर मिमिक्री अंकल के लड़कों ने भल्ला अंकल को चाय नहीं दी तो किसने दी? पता लगाना होगा। हाँ, चाय के निशान, देखते हैं ये कहाँ ले जाते हैं। लगता है मिमिक्री अंकल के लड़के मिल गए। जे क्या दिमाग लगाया है। मैंने कहा था ना, मेरे लड़के ऐसा काम कर ही नहीं सकते, कभी नहीं। पर जिन्होंने ये किया है उन्हें जरूर पकड़ना होगा। हा, हा,
ओए खमोश खमोश बोल के मुझे बेहोश करेगा क्या? लगता है मिमिक्री अंकल आज फिर से किसी कैरेक्टर में घुसे हुए हैं। ओए ओए ओए, लेकिन मुझे तो झाड़ियों में घुसा दिया ना। ओए भतीजे, ओए दुनिया गोल है, ओए मेरे स्कूटर का हैंडल झोल है। ओ रोक दे रोक दे। जो तू करना क्या है, हैंडल आपके हाथ में है, उसे सीधा करो। ओ फिकर लॉर्ड जी, हो जाएगा। खामोश। किसका मुंह देखा था आज, पूरा जंगल पीछे पड़ा। बिक्री, तुझे बर्गर लाने के लिए कहा था, बंदर नहीं। चपड़ गजू, क्या कर रहा है? यो, ये तो मिमिक्री भाई की चुट्टी कर देगा, जबरा स्टाइल मारता है। खामोश चपर गंजू, मिमिक्री से अच्छा एक्टर ना कोई है ना कोई होगा। हमको बालकनी की टिकट मिल गई है, शो शुरू करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भल्ला की भारी नहीं चलेगी। भाइयों, इन्हीं हाथों से भल्ला जी को रोज समोसे पराठे जलेबी बनाकर खिलाता आया हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे नहीं मिले। मिली तो सिर्फ एक तारीख। हमारे धोबी धुलाई राम के हाथों में भल्ला जी के कपड़े धोते धोते छाले पड़ गए और उनके खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि उनको भी मिली बस एक तारीख। दोस्तों, मिलती है तो बस एक तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भल्ला सा अरे ये मिमिक्री का बच्चा मेरी तिजोरी खाली करवा के रहेगा, पैसे के पेड़ पे उगते हैं। किसके दिए हैं जो इनको मिलेंगे? भल्ला साहब, या तो आप बाहर आइए या हम A1 एजेंसी में घुस के उसे बंद कर देंगे। बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। ओए ओए, कैसे बंद कर देंगे? ये एजेंसी कोई टेप रिकॉर्डर है जो बंद कर देंगे, पंखे का बटन है जो बंद कर देंगे, और तू अपना मुंह बंद कर वरना मैं बंद कर दूंगा। भाइयों, ये भल्ला का खसम खास आदमी है, इसे पकड़ो, इसे पैसे वसूल करो। पब्लिक का ध्यान मुद्दे से हटा दो। अच्छा, तो ये भल्ला अंकल हैं। ध्यान तो आपका हटेगा अभी। ओ भल्ला अंकल, आपके 100 रुपए गिर गए। क्या? मेरे पैसे? 100 रुपए? कहाँ है मेरे 100 रुपए? लेकिन मेरे पैसे तो तिजोरी में होते हैं। भल्ला, आज तुम रहोगे या तुम्हारा उधार। ओए 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 दोस्तों, ओए भल्ला जी को कल तक का समय दे दो, वो प्रॉमिस, वो कल सबके पैसे दे देंगे। क्यों भल्ला जी? हाँ, ठंड के मौसम में मेरे हाथ के बने गर्मा गर्म पराठों का मजा लीजिए। अभी तो मौसम इतना सुहाना था, अचानक से इतनी तेज हवा कैसे चलने लग गई? भूत? पर मैं भूतों के लिए पराठे नहीं बनाता। मैं पराठे नहीं, इंसानों को खाता हूँ। मैं फंडूष नगर का भयंकर भूत हूँ। ये शहर मेरा है, इस शहर को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ओ
रोको रोको चाचा, हमें ये शहर छोड़कर जाना होगा वरना वो हमें खा जाएगा। ओए कौन खा जाएगा? फंटुश नगर का भयानक भूत। ओ मिमिक्री अंकल, भूत भूत कुछ नहीं होता, आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। कहाँ है भूत? उस गली में, कह रहा था फंटुश नगर छोड़कर भाग जाओ वरना मैं सबको खा जाऊंगा। जिज्जे, ये चाचा भतीजा और ये बंदूक नहीं यहाँ पे आ गए, हम शांति से बर्थडे भी नहीं मना सकते। मिमिक्री, और बढ़िया चाय पिला मलाई मार के। मिमिक्री अंकल, कल चाचू का बर्थडे है और हम चाहते हैं कि आप चाचू के लिए एक स्पेशल वाला बर्थडे केक बनाएं। जरूर, क्यों नहीं। फिलहाल तो तुम दोनों मेरा आज का स्पेशल आइटम ट्राई करो, पनीर पराठा मक्खन मार के। हाँ। सुनते ही मुंह में पानी आ गया। ओए ये सब छोड़ो, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है जी, तुम सब जरूर आना मेरी हैप्पी बर्थडे पार्टी में। मेरा बर्थडे खराब करके चाचा खुद का बर्थडे हैप्पी करने चला है। जीजे, हम चाचा का बर्थडे हैप्पी होने नहीं देंगे। ये रहा चाचा के बर्थडे का स्पेशल रंग बिरंगी केक, है ना एकदम शानदार। अरे ये क्या कर रहे हो, ये केक मैंने खाने के लिए बनाया है, खेलने के लिए नहीं। हाँ मैं हूँ फुल्तान, बनने थोड़ा आगे तक छोड़ दो। वो क्या कहवे अंग्रेजी में, हाँ लिफ्ट। ओ ये लिफ्ट मांगने का कौन सा तरीका है, मेरी तो जान ही निकल गई। पर आपको जाना कहाँ है? वैसे तो फुल्तान को वर्ल्ड रेसलिंग प्रतियोगिता में जाना से गोल्ड मेडल जीतने। अरे मिमिक्री अंकल, अब बताएंगे भी कि आपको जाना कहाँ है? फिलहाल तो अखाड़े जाऊंगा कुश्ती सीखने। ओ हम पल्ला को रिसीव करने स्टेशन जा रहे हैं, रास्ते में तुझे अखाड़े पे छोड़ देंगे, अब जल्दी कर, वैसे ही देरी हो गई है। मैंने अभी से कसरत शुरू कर देनी चाहिए, गोल्ड मेडल जीतना। ओए ये क्या कर रहा है? के सामने पहलवान मजबूत, जिनमें 100 हाथियों की ताकत है। फंटूश नगर में हाई कोई माई का लाल जो इनसे कुश्ती लड़ने के हिम्मत कर सके। ए, कौन हो तुम? नाम तो याद ही होगा, फंटूश नगर की शान फुल्तान। अच्छा, पहलवान मजबूत से लड़ने एक नया पहलवान आया है, पहलवान फुल्तान। नहीं नहीं, मैं तो बस
चलो कुश्ती शुरू की जाए। बल्ले बल्ले ये तो मेरा हाल बेहाल कर देगा। भतीजे कुछ आइडिया दे। उसे गुदगुदी करो मिमिक्री अंकल। अब क्या करूं भतीजे? उसके पैरों में अपना पैर फंसा दो, वो अपने आप गिर जाएगा।